गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई टीच टू यू एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लास 7th मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एंड पी इफ पी क्यू इक्वल टू 10 cm एंड पी आर इक्वल टू 24 cm फाइंड क्यू आर। लिसन हियर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट अ पी। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर पी क्यू आर इसमें बोलता है पी क्यू आर के एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब सम कोण त्रिभुज है जहां पे एंगल पी जो है वो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है। पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो 10 cm है एंड पी आर की जो डिस्टेंस है वो 24 cm है। तो इसमें बोलता है कि क्यू आर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो क्यू आर की वैल्यू आपको निकालना है, किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस है ये पाइथागोरस की थ्योरम से सॉल्व होगा। पाइथागोरस ने बताया था कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें थ्री पार्ट होते हैं। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेस। ये पार्ट हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हाइट। और ये पार्ट जो हमारा कहलाएगा हाइपरटेन्यूज। हाइपरटेन्यूज जिसको हम मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो हाइपरटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज मतलब होता है जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, हाइट को लंब बोलते हैं। तो पाइथागोरस ने हमारी थ्योरम दी थी, पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारी बताती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारी ये बताती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो हाइट के स्क्वायर प्लस, हाइट को हम एल से हम से प्रेजेंट कर रहे हैं, एल से प्रेजेंट, हाइट के स्क्वायर से एंड बेस की स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इन्होंने बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो हाइट के स्क्वायर मतलब लेंथ के स्क्वायर के एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। लेंथ मतलब ये लंब हो गया जिसको हम कहते हैं और ये बेस हो गया, इसको आप हाइट की जगह पे लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ मतलब लंब। तो लेंथ के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा लेंथ के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, इन्होंने ये बताया था। तो इसी थ्योरम से हमारे ये पूरे क्वेश्चंस जो है 6.5 के सॉल्व होंगे, इसी पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी से ही। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस अपना, और इसी प्रॉपर्टी से ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। इसमें ये बोलता है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। फर्स्ट क्वेश्चन पे आपका यहां पे बताया है कि पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है में पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। पी क्यू आर को क्या बताया था, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल
पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, राइट एंगल्ड एट पी। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जो पी पे राइट एंगल है, यहां पे दिख रहा है। इफ ई पी क्यू इक्वल टू, इसमें पी क्यू की वैल्यू दी है, इफ पी क्यू इक्वल टू 10 cm, पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है 10 cm, इफ पी क्यू इक्वल टू 10 cm एंड फाइंड एंड पी आर, एंड पी आर इज इक्वल टू, पी आर की वैल्यू आप देखिए कितना दी गई है, पी आर की वैल्यू है 24 cm, 24 cm, पी आर इज इक्वल टू 24 cm। फाइंड क्यू आर, इसमें बोलता है फाइंड क्यू आर, तो क्यू आर हमें क्या करना है, इसमें प्राप्त करना है, नहीं मालूम है। इसमें आपको क्वेश्चन ने क्या बताया कि आप पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, जहां पे आपका पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना हुआ है, फिर वो कहता है राइट एंगल एट पी, जो कि पी पे राइट एंगल भी है, आप देख रहे होंगे। फिर ये बोलता है कि इफ पी क्यू इक्वल टू 10 cm, मतलब पी क्यू की जो वैल्यू है वो 10 cm है एंड पी आर की जो वैल्यू है 24 cm है, तो आपको क्यू आर की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व फर्स्ट देखेंगे, सॉल्व फर्स्ट देखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर आप क्या लिखेंगे इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको मालूम है, तो आप लिखेंगे वेयर पी क्यू इक्वल टू, जहां पे जो दिया है पहले, वेयर पी क्यू इक्वल टू 10 cm, पी आर इक्वल टू 24 cm, अब फाइंड करनी है क्यू आर की वैल्यू, आपको पता नहीं है तो फाइंड करने क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं मालूम है। फिर मैंने आपको बताया था कि किससे सॉल्व होगा, पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें क्या हो जाएगा, मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्यू आर का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होगा लेंथ के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, लेंथ के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। लेंथ जो आपकी है वो 10 cm है, मतलब यहाँ पे जो आप ऐसे लिखे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा लेंथ के स्क्वायर बेस के स्क्वायर के होगा, जहां हाइपोटेन्यूज आपका क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज आपका दिया है देखेंगे क्यू आर आपका है हाइपोटेन्यूज, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे पहले नंबर पे पी क्यू का स्क्वायर, मतलब जो लेंथ है, प्लस पी आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर, जब मैंने बताया था इसका रूट स्क्वायर हटेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रूट में चले जाएंगे, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे पी क्यू कितना है आप देख रहे होंगे, पी क्यू कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। और जब हम इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, क्यू आर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हुआ 100 और 24 का स्क्वायर हुआ कितना हुआ 576, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो हमें क्यू आर इज इक्वल टू क्या मिला, 100 में 576 का ऐड करे तो 676, ओके। अब इसमें 676 मिला,
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 676 जो होता है बच्चों वो किसका स्क्वायर होता है, 26 का। ये 2 से कटेगा, देखिएगा 2 3 जा 6 2 8 जा 16। अब ये भी 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 1 आया, 2 4 जा 2 6 जा 12 आया, 2 9 जा 18। अब ये 13 से ही कटेगा, 13 1 जा 13। अगर हम इसमें पेयरिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 into 2 into 3 into 13 into 13, पेयर बना 13 का और 2 का, तो 2 हमारा बाहर आया 13। अब यहाँ पे हम दोनों का मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला, 26। क्या मिला, इक्वल टू 26। तो क्यू आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 26। क्या मिल गई, 26। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह हम क्या करते हैं कि क्यू आर की वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन टोटल इसमें जो दिए गए हैं सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम है, थर्ड नंबर भी है, फोर्थ नंबर भी है, आप करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा तो मैं उसका सोल्यूशन कराऊंगा। तो आज के टॉपिक हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। चैनल को आप लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।